हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे पास है ओनर 8X। आप में से काफी सारे लोग चाहते थे कि मैं जल्दी से इस फोन को खरीदूं, इस फोन का एक रिव्यू करूं, इस फोन की एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आपके लिए जल्दी से देखें, ताकि आप लोग जान पाएं कि इस फोन में क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने इस फोन को कल ही ऑर्डर किया अमेजन से और एक ही दिन में मेरे पास आ गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन की अनबॉक्सिंग करके फर्स्ट इंप्रेशन आपको इस फोन के बताने वाला हूँ कि पहली नजर में फोन दिखने में कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर मुझे लगता है कि फोन होने वाला है और उसके बारे में हम और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पबजी हम इस फोन पर खेल के देखेंगे और इस फोन की काफी सारे डिटेल्स मैं आपको इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर फोन का बॉक्स अगर आप देखेंगे, फोन के बॉक्स के ऊपर आपको फोन देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसा दिखेगा। और फोन के बॉक्स से ही आप देख सकते हैं काफी सुंदर फोन दिखने वाला है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑक्टा कोर सीपीयू, 4GB 64GB वाला मॉडल है, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 20+2 के डुअल रियर कैमरा, 16 MP का फ्रंट कैमरा, डुअल 4G OTA फोन सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक भी मिल जाता है और 3750 mAh की बैटरी। तो जल्दी से हम दोनों सीरीज को यहां पर तोड़ देते हैं और बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स हमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको फोन देखने के लिए मिलेगा। फोन को जैसे ही आप उठाएंगे आपको लगेगा कि थोड़ा सा हैवी है फोन। अब डेफिनेटली फोन का साइज जो है वो काफी बड़ा है और इवन अगर आप बैटरी की बात करें तो 3750 mAh की बैटरी है, जो कि डेफिनेटली कम नहीं है। तो फोन का वेट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फील होगा। बाकी जैसे ही आप फोन को देखेंगे आपको दिखेगा कि फोन बहुत ही सुंदर है। मुझे फोन दिखने में बहुत सुंदर लगा जब मैंने पहली बार इस फोन को देखा। पीछे से अगर आप देखेंगे बहुत ग्लोसी एक ग्लास बैक आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है और जो वहां पर लुक देखने के लिए मिल रही है, यहां पर अगर आप देखेंगे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है पड़ने पे, अगर आप बैक कवर की बात करेंगे बहुत सुंदर ये फोन दिखता है। बाकी डिजाइन भी अगर आप देखेंगे, जो कैमरास का डिजाइन है वो भी यहां पर काफी अच्छा लगता है। तो फोन को एक बार रखते हैं साइड में और बॉक्स कंटेंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर कुछ IMEI स्टिकर्स मिल जाएंगे, इसके बाद आपको एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ गाइड्स मिल जाएंगी, वारंटी कार्ड मिल जाएगा और एक कवर भी आपको फोन के अंदर ही बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। इस कवर की क्वालिटी हम देख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये फोन को अच्छे से फिट करता है या नहीं। तो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है काफी अच्छी क्वालिटी का ये कवर है और इसको फिट करके देखते हैं कि अगर ये फिट करेगा फोन को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां पर मुझे लगता है फिट करने के बाद तो ये और भी अच्छा लग रहा है मुझे। कवर क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, काफी अच्छे से फोन को फिट करता है और पूरा मैं बोलूंगा जो कटआउट्स हैं वो भी काफी अच्छे से हैं और फिट भी काफी अच्छे से करता है, बिल्कुल भी लूज नहीं रहता। इसके बाद अगर आप बात करें, यहां पर बॉक्स के अंदर एक चार्जर है जो कि 5 volts 2 amps का नॉर्मल चार्जर है और एक माइक्रो एसबी केबल है। बॉक्स कंटेंट्स को हम जल्दी से वापस रख देते हैं बॉक्स के अंदर और उसके बाद आ जाते हैं फोन पर। फोन में हम कुछ चीजें देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूं फोन के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो फोन को अगेन अगर मैं उठाऊंगा, यहां पर बहुत सुंदर मैं बोलूंगा कि फोन दिख रहा है। यहां पर फोन को हम टर्न ऑन कर देते हैं और इसके फिजिकल ओवरव्यू की हम बात करेंगे जल्दी से। यहां पर टर्न ऑन करते ही आप देखेंगे कि आगे की तरफ आपको एक नोच देखने के लिए मिलता है और बेजल्स काफी पतले हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। बेजल्स अगर आप देखेंगे यहां पर काफी पतले हैं और मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहां पर देखेंगे नोच भी यहां पर ज्यादा बड़ी नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे छोटा सा लाउडस्पीकर है, जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। तो फोन को जितने टाइम में सेटअप कर देता हूं तब तक आपको एक फिजिकल ओवरव्यू इस फोन का दे देता हूं। तो फिजिकल ओवरव्यू की अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले अगर आप फोन की राइट साइड पर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम रॉकर्स और पावर की देखने के लिए मिल जाती है। लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है सिम ट्रे जो कि डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के साथ आती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, प्राइमरी माइक्रोफोन, एक लाउडस्पीकर, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक 3.5 mm ऑडियो जैक, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है फोन के नीचे की तरफ। तो मोस्टली जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो सारे फोन के नीचे की तरफ हैं, ऊपर फोन काफी साफ रखा गया है। पीछे की तरफ अगर आप फोन पे देखेंगे तो आपको डुअल रियर कैमरा, जिसके मैंने आपको बताया 20+2 MP के देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी मुझे लगता है काफी अच्छी होने वाली है। फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफी अच्छे से प्लेस किया गया है यहां पर। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे एक फ्लैश और AI कैमरा और ओनर भी दिखा गया है, क्योंकि आगे की तरफ कहीं भी आपको ओनर की ब्रांडिंग देखने के लिए नहीं मिलती। आगे की तरफ अगर आप बात करें तो एक छोटा सा लाउडस्पीकर, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसी के साथ एक कैमरा 16 MP का, कुछ सेंसर्स और नोच के अंदर ही आपको एक नोटिफिकेशन LED लाइट भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद फोन को जैसे ही मैं सेटअप कर रहा था, यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर को सेट करेंगे तो आप देख पाएंगे फिंगरप्रिंट सेंसर से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओनर के फोन में काफी सारे ऐसे अमेजिंग फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए काफी सारे लोग मेरे को ऑलरेडी बोल रहे थे कि मैं इस फोन पर एक टिप्स
एंड ट्रिक्स की वीडियो जल्दी से बनाऊं, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने वाला हूं। कल या परसों एक या दो दिन में ही वो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, बाकी ऐप लॉक वगैरह यूज करने के लिए, हिडन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, और मुझे लगता है कि कैमरा फोटोज वगैरह लेने के लिए भी काफी सारी चीजों के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज कर पाएंगे। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कि फोन जो है वो सेटअप हो चुका है, और फोन अगर आप देखेंगे अगेन डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, डिस्प्ले दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। और एक चीज जो अच्छी है, नोट्स ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ज्यादा एरिया जो है स्क्रीन का कवर नहीं कर रही। रेदर अगर मैं बोलूं कि जो स्टेटस बार है उसका ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रही, तो आपको काफी सारे नोटिफिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, बैटरी परसेंटेज, नेटवर्क की स्पीड, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी स्टेटस बार में, कुछ मिस नहीं होगा। और बाकी अगर आप फोन के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वही बेसिक जो आपको ओनर का EMUI 8.2 देखने के लिए मिलता है, वही इस फोन में भी देखने के लिए मिलेगा, और वही सेम फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको EMUI में देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर अगर आप फोन के डिस्प्ले को या फिर फोन के बेजल्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो मेरे पास यहां पर Realme 2 Pro भी है। अगर आप देखेंगे बहुत कम डिफरेंस दिखता है, हालांकि अभी भी जो Realme 2 Pro के बेजल्स हैं वो थोड़े से पतले हैं एज कंपेयर टू ओनर 8X, लेकिन ओनर 8X के बेजल्स भी यहां पर काफी पतले हैं और काफी अच्छा फोन दिखता है। इसके बाद फोन की अगर मैं जल्दी से सेटिंग्स में चला जाऊं तो सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 8.1 देखने के लिए मिलता है, तो बेसिकली ओरियो आपको देखने के लिए मिल रहा है। पाई का अपडेट कब आएगा ये अब तक नहीं पता है, और इसमें EMUI 8.2 आप देख सकते हैं आपको मिलता है, और जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है वो भी आपको सेप्टेम्बर का देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और आप यहां पर प्रोसेसर भी देख सकते हैं जो कि है किरिन 710, तो किरिन का 710 प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म यहां पर करना चाहिए। तो इसके बाद जल्दी से अगर आप स्टोरेज में चले जाएंगे, स्टोरेज में हम देख लेते हैं कि कितनी स्टोरेज आपको फ्री देखने के लिए मिलती है फर्स्ट बूट में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 64GB में से लगभग 53GB आपको फ्री देखने के लिए मिलती है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 53GB आपके पास है, बाकी इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के साथ। इसके बाद जल्दी से अगर हम कैमरा में चले जाएं तो आप देख पाएंगे कि कैमरा का इंटरफेस यहां पर काफी सिंपल भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस कैमरा के इंटरफेस के अंदर आपको काफी सारे ऐसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि जनरली किसी फोन में आपको देखने के लिए मिलते ही नहीं है। अब अगेन इन फीचर्स की बात अभी इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं करूंगा, उन सब चीजों की बात मैं करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर अगर आप कैमरा को देखेंगे, कुछ सैंपल शॉट्स मैंने लिए हैं अनबॉक्सिंग करते हुए ही। यहां पर अगर आप देखेंगे फ्रंट कैमरा के शॉट्स हैं, और मुझे लगता है कि क्वालिटी काफी अच्छी आई है। हालांकि ये कैमरा के लिए सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि कैमरा के लिए हम शुरू के सैंपल से जज नहीं कर सकते कि उसके कैमरास कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। रियर कैमरा के भी एक दो शॉट्स आप यहां पर देख सकते हैं, स्टिल फाइनल इंप्रेशंस कैमरा के मैं पूरा इस फोन को टेस्ट करने के बाद ही दे पाऊंगा। इसके बाद जल्दी से हम फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को भी टेस्ट कर देते हैं। यहां पर मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को पहले ही सेट कर दिया था, और यहां पर अगर आप देखेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मुझे लगता है डिसेंट है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ओनर 9Lite था, मतलब कि ओनर के पहले फोन से, उसमें इससे भी ज्यादा तेज स्पीड थी फिंगरप्रिंट सेंसर की, लेकिन यहां पर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फेस अनलॉक की अगर आप बात करेंगे, इसको सबसे पहले मैं डायरेक्ट अनलॉक पे सेट कर देता हूं ताकि फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। आपको भी अगर सेट करना है तो आप देख सकते हैं, आपको जाना है यहां पर सिक्योरिटी में, और यहां पर फेस अनलॉक के अंदर जाके आपको अपना पिन डालना है। उसके बाद यहां से आपको इसको डायरेक्ट अनलॉक पर सेट कर देना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसे ही आप पावर की को प्रेस करते हैं, फोन डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है आपके फेस अनलॉक के साथ। तो फेस अनलॉक की स्पीड मुझे लगता है यहां पर काफी तेज है, और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों की स्पीड काफी आइडेंटिकल है, मतलब काफी इक्वल है, तो ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं है, और फेस अनलॉक की स्पीड काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी भी देखने के लिए मिलता है, उस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। एयरटेल और जियो दोनों ही सिम्स में 4G पर यूज कर रहा हूं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि इस फोन में एयरटेल या वोडाफोन का वोल्टी सपोर्टेड है या नहीं। इस फोन में एयरटेल का भी सपोर्टेड है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको नोटिफिकेशन LED लाइट भी देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत छोटी सी है। हालांकि मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट नोच वाले फोन में वो दी गई है, क्योंकि नोच के अंदर जगह यहां पर काफी कम रह जाती है, लेकिन काफी छोटी सी एक नोटिफिकेशन LED आपको दी गई है, जो कि शायद इस वीडियो में आप नोटिस तक नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं फोन को चार्जिंग पर लगाता हूं, एक नोटिफिकेशन लाइट आपको वहां पर देखने के लिए मिलती है व्हाइट कलर की, जो कि अगेन मैं बोलूंगा कि काफी छोटी सी है। उसके बाद यहां पर पबजी आप देख सकते हैं, पबजी को मैंने इस फोन में इंस्टॉल किया, और इस फोन में हम खेल के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है।
तो यहाँ पर पबजी जो है वो ऑन हो चुकी है। जल्दी से हम सबसे पहले चले जाते हैं सेटिंग्स में, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ग्राफिक्स की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उससे भी पहले हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, अगर मैं पबजी की बात करूँ तो यहाँ पर आप मेरा यूज़र नेम देख सकते हैं जिसे मैं खेलता हूँ, किधर RJ0017। आप स्पेलिंग वगैरह देख सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं कौन कौन से कैपिटल आपको पुट करने हैं, किधर की के आपको कैपिटल रखनी है और RJ आपको कैपिटल में रखना है, किधर RJ0017। इसके बाद हम जल्दी से ग्राफिक्स में अगर आप चले जाएंगे तो ग्राफिक्स में आप देख पाएंगे HD तक आप सेट कर सकते हैं अगर आप ग्राफिक्स की बात करें, और फ्रेम रेट की अगर आप बात करें वो आप हाई तक रख सकते हैं, अल्ट्रा फ्रेम रेट पर नहीं जा सकते हैं और HDR में आप नहीं जा सकते हैं अगर आप ग्राफिक्स की बात करते हैं। तो HD और हाई सेटिंग्स में हम इस गेम को भी खेलेंगे और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस हमें इस फोन से देखने के लिए मिलती है। मुझे लगता है कि किरिन 710 को काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, फिर भी गेम खेलने से पहले मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो यहां पर इस गेम का गेम प्ले आप देख सकते हैं, ज्यादा मैं गेम को नहीं खेलूंगा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मैं इस गेम को यहां पर प्ले करूंगा और आई होप कि आप खुद ब खुद नोटिस कर पाएंगे इस चीज को कि गेम कैसी चल रही है। तो यहां पर मैंने इस गेम को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि गेम काफी अच्छे से चली। हालांकि अभी इस गेम को मैं पहली बार प्ले कर रहा था, तो हो सकता है फोन इसके बाद थोड़ा और स्टेबलाइज हो जाएगा और इस गेम को और भी अच्छे से प्ले करेगा, क्योंकि इस गेम में मुझे थोड़े से लैग्स देखने के लिए मिले जब मैं इस गेम को अभी पहली बार के लिए खेल रहा था। एक दो बार मुझे लगा कि कुछ फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने के लिए मिले हैं जो कि ज्यादा सीरियस नहीं थे, ज्यादा लैग मुझे देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन एक दो फ्रेम ड्रॉप्स थे जो कि ज्यादा सीरियस नहीं थे। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, के लगभग 10 मिनट के लिए ही मैंने इस फोन पर पबजी खेली थी और मुझे लगा कि इस फोन में थोड़ी सी हीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। अब यहां पर हालांकि ग्लास पूरी है तो थोड़ी सी हीटिंग आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हीटिंग की प्रॉब्लम आपको शायद इस फोन में देखने के लिए मिल सकती है। अब कितनी सीरियस वो प्रॉब्लम है या कितनी ज्यादा हीटिंग होती है वो मैं आपको फुल रिव्यू में ही बता पाऊंगा इस गेम को अच्छे से टेस्ट करने के बाद। अभी के लिए मैं आपको यही बोल सकता हूं कि हीटिंग इश्यूज शायद आपको इस फोन में थोड़े बहुत देखने के लिए मिले, क्योंकि इस फोन में आपको ग्लास बॉडी भी देखने के लिए मिल रही है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, आई होप कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की इस फोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुछ सवाल चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस फोन पर आगे आने वाली ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।